वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक यातायात श्याम देव बिंद ने दुर्गा पूजा व दशहरा पर्व को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए यातायात पुलिस थाना कोतवाली पुलिस और थाना राजघाट की पुलिस के साथ बख्शीपुर नखास रेती चौक घंटाघर से रामलीला ग्राउंड थाना राजघाट तक पैदल गश्त कर अस्थायी अतिक्रमण को हटवाया गया। इस अवसर पर कोतवाली क्षेत्र अधिकारी अनुराग सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। ये जिला जयपुर के आम जनमानस को सूचित किया जाता है, ये शहर आपका है, त्योहारी हाथ खास होने की आदत नहीं छोड़ पाए हैं, वो जो मानव होने में दे रही जन कर दर्शन कर दी इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने कहा, दुर्गा पूजा व दशहरा त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने व सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए कोतवाली सर्किल के कोतवाली राजघाट क्षेत्र में कोतवाली पुलिस राजघाट पुलिस व यातायात पुलिस के साथ पैदल गश्त किया गया। दुर्गा प्रतिमाओं का जो विसर्जन का स्थल है रूट है उसको भी देखा गया, जो भी अस्थायी अतिक्रमण थे उसको हटवाया गया। बख्शीपुर नकास रेती चौक घंटाघर से लेकर रामलीला मैदान थाना राजघाट तक पैदल गश्त किया गया है और ये गश्त लगातार चलता रहेगा और दुर्गा पूजा व दशहरा त्यौहार को सक्षम संपन्न कराया जाएगा।